हे दोस्तों, क्यूएनए के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस क्यूएनए में सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के सवाल ही लिए जाएंगे, तो उम्मीद है कि आपने बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड एक्टर से जुड़े सवाल ही पूछे होंगे। जैसे कि द डेविस कहते हैं, प्रभास और ऋतिक रोशन के आने वाली मूवी से क्या ऋतिक रोशन बाहर हो गए हैं? जी हाँ, ये खबर मैंने भी सुना है कि ऋतिक रोशन ने प्रभास की फिल्म को मना कर दिया है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो भाई आने वाले टाइम ही पता चलेगा। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मैत्री मूवी मेकर्स ने सिद्धार्थ आनंद को एक बड़े बजट के एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए साइन किया है, जिसमें रूमर्स के माने तो प्रभास और ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को मना कर दिया है। सच्चाई क्या है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। हुजैफा से एक पूछते हैं, क्या टाइगर श्रॉफ स्पाई यूनिवर्स में वापस आएगा और बागी 4 भी आ सकती है? जी हाँ, बागी 4 भी आ सकती है, लेकिन अभी उस फिल्म में काफी टाइम लगेगा, तो जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। रही बात टाइगर श्रॉफ के स्पाई यूनिवर्स की, तो भाई कुछ भी हो सकता है। वॉर में खालिद मर चुका है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई थी। क्या पता उसे किसी ने बचा लिया हो और वो हमें वॉर 2 या फिर स्पाई यूनिवर्स के किसी फिल्म में नजर आए, क्योंकि यंग एक्टर है। वॉर में टाइगर श्रॉफ को काफी पसंद किया गया था, तो यशराज उस कैरेक्टर को ऐसे ही जाने नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि खालिद का करेक्टर वापस जरूर आएगा। सब टीवी इंफॉर्मेशन कहते हैं, मेरा सवाल यह है कि बॉलीवुड के सभी सुपर हीरो को लेकर एक यूनिवर्स बनाया जाए तो क्या लगता है क्या होगा? जैसे क्रिस, फ्लाइंग जाट, रावण, रोबोट, मिलार मुरली और भावेश जोशी। देखो भाई, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, तो इस बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्रिस का यूनिवर्स बन सकता है, लेकिन क्रिस के मेकर्स क्या कर रहे हैं ये तो भाई वही जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बॉलीवुड वाले रीमेक फिल्म करेंगे, लेकिन किसी फिल्म का सिक्वल नहीं करेंगे। यही वो मेकर्स हैं जिन्होंने रीमेक करके बॉलीवुड का नाम खराब कर दिया है। हैरी भाई कहते हैं, मुझे लगता है किसी का भाई किसी की जान हिट होगी। रीजन 1 रीमेक, रीजन 2 पूजा हेगड़े, आपको क्या लगता है? भाई आपने जो ये दो रीजन बताए हैं, ये हिट का रीजन नहीं है, बल्कि ये फ्लॉप होने का रीजन है। पिछले कई बड़ी रीमेक फिल्में फ्लॉप गई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का भाई किसी की जान भी फ्लॉप हो जाए। हाँ, सलमान खान की फिल्म है, ईद के मौके पर रिलीज हो रही है, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी जाएगी। रही बात दूसरे रीजन की, तो पूजा हेगड़े की पिछली कई फिल्में फ्लॉप गई हैं, चाहे आप बात करें राधे श्याम की, बीस्ट की, आचार्या की या फिर सर्कस की। सर्कस और आचार्या कितनी बुरी तरह से फ्लॉप गई हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। तो ये दो रीजन हैं जिससे किसी का भाई किसी की जान हिट तो नहीं बल्कि फ्लॉप हो सकती है, आपको क्या लगता है? आरिक दीवाना कहते हैं, सच सच बताना भाई, क्या आप पठान के कलेक्शन से खुश हो? जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म है, बाहुबली 2 को बीट कर दिया है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई की है, तो भला किसे खुशी नहीं होगी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी जली है, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हम उनमें से हैं जो अगर सालार पठान के कलेक्शन को बीट कर दे तो भी खुशी होगी, और अगर टाइगर 3 सालार के कलेक्शन को बीट कर दे तो भी खुशी होगी, बस कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और रही बात पठान के OTT की, तो भाई अभी पठान फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी, अभी फिल्म थिएटर में चल रही है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। विशाल रावत का सवाल है, भाई क्या लगता है आपको, अक्षय कुमार जी कौन सी मूवी से कमबैक कर सकते हैं? इस साल अक्षय कुमार की 4 और फिल्में आने वाली हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 फिल्मों से ही उम्मीद है, ओ माय गॉड 2 और बड़े मियां छोटे मियां। कमबैक फिल्म कौन सी होगी तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती हैं। अगला सवाल पूछा है डुअल कोर गेमिंग ने, भाई क्या सच में हेरा फेरी का टाइटल हेरा फेरी 4 होगा, और क्या फरहाद नोलन साम जी उसके डायरेक्टर हैं? जी हाँ, महान डायरेक्टर जिन्होंने बच्चन पांडे फिल्म को डायरेक्ट किया था, और अभी जिन्होंने किसी का भाई किसी की जान फिल्म को डायरेक्ट किया है, वही हेरा फेरी की इस तीसरी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर उन्हें हटाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी मेकर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। तो अभी नोलन साहब हेरा फेरी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बात सच है कि हेरा फेरी 3 का टाइटल हेरा फेरी 4 होगा। क्यों होगा तो ये तो फिल्म के मेकर्स ही बता सकते हैं। हाँ, जिस तरह से क्रिश 2 का टाइटल क्रिश 3 था, वैसे ही हेरा फेरी 3 का टाइटल हेरा फेरी 4 होगा, कुछ भी। श्रीकांत कुमार कहते हैं, भाई पंचायत सीजन 3 कब आएगी? पंचायत सीजन 3 आएगा, लेकिन अभी सीजन 3 से जुड़ी कोई नई अपडेट नहीं आई है। फिल्मी अपडेट पूछते हैं, भाई वो कौन सी मूवी होगी जो पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट करेगी?
इसी साल कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं जो पठान के कलेक्शन को बीट कर सकती हैं। सबसे पहले जवान, अगर आदि पुरुष का VFX सही रहा तो आदि पुरुष, सालार, लियो, टाइगर 3 और डंकी। इस साल ये सभी फिल्में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेंगी। तो इसी साल कई इंटरेस्टिंग फिल्में आने वाली हैं। लियो को लेकर मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन बाकी सभी फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती हैं। और सुनील कुमार कहते हैं, रणबीर कपूर के एनिमल पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी क्या? तोड़ सकती है, लेकिन जब तक टीजर ट्रेलर नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि एनिमल के साथ गदर 2 भी रिलीज होगी, तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हितेश चावड़ा का सवाल है, जवान मूवी की कंफर्म रिलीज डेट क्या है? जवान की कंफर्म रिलीज डेट 2 जून है, लेकिन खबर आ रही है कि जवान के मेकर्स जवान फिल्म को पोस्टपोन करेंगे और अब ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी। लेकिन अभी ये सिर्फ खबर है, मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। तो अभी जवान 2 जून को ही रिलीज होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। युवराज दास कहते हैं, रेलवे मैन सीरीज का क्या हुआ और सत्ते पे सत्ता रिमेक कब आएगी? मुझे लगता है ना ही रेलवे मैन सीरीज आएगी और ना ही सत्ते पे सत्ता रिमेक। सत्ते पे सत्ता का रिमेक ऋतिक रोशन करने वाले थे, लेकिन अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है। द रेलवे मैन सीरीज दिसंबर 2022 में ही आने वाली थी, लेकिन उसकी भी कोई अपडेट नहीं आई है। गौरव राणा का सवाल है, ब्रह्मास्त्र 2 देव का अपडेट है क्या? कुछ है तो प्लीज आंसर मी। जी नहीं, अभी देव के करेक्टर से जुड़ी कोई नई अपडेट नहीं आई है। वैसे मैंने तो सुना है कि ब्रह्मास्त्र 2 नहीं बनेगी। जी हाँ, सुना है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। निखिल पूछते हैं, भाई गणपत क्या सच में लियो से क्लैश करने वाली है? जी हाँ, लियो और गणपत एक दिन आगे पीछे रिलीज होगी। जहाँ लियो 19 अक्टूबर को रिलीज होगी, वहीं गणपत पार्ट 1 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। दोनों पैन इंडिया फिल्में हैं, तो देखते हैं कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करती है। सरिका माली ये सब जानते हैं कि भोला का ट्रेलर कल यानी कि 6 मार्च को रिलीज होगा। जैसे ही ट्रेलर आएगा हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नितेश यादव पूछते हैं, आपको क्या लगता है तू झूठी में मक्कार मूवी चलेगी? जी हाँ, फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट काफी अच्छी आ रही है। फिल्म काफी अच्छी ओपनिंग करेगी, बाकी तो कहानी पर डिपेंड करेगा कि आगे फिल्म कैसी जाएगी। उम्मीद तो बहुत है, बाकी 8 तारीख को पता चलेगा कि रणबीर कपूर की ये फिल्म कैसी है। जाबिराज का सवाल है, इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर कब आएगा और सिड की कौन कौन सी मूवी आने वाली है? सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म का नाम योद्धा है, जो 7 जुलाई को रिलीज होगी। रही बात इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर की, तो सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी टीजर ट्रेलर से जुड़ी कोई नई अपडेट नहीं आई है। पर हाँ, आने वाले कुछ दिनों में इंडियन पुलिस फोर्स का टीजर रिलीज होगा और ये सीरीज इसी साल ही देखने को मिलेगी। काफी लोगों ने पूछा है कि अक्षय कुमार की अगली फिल्म कौन सी है, यानी कि सेल्फी के बाद अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म रिलीज होगी। तो 4 फिल्में आने वाली हैं, जिसमें अभी सिर्फ बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज डेट ही कंफर्म हुई है। सुरराय पोत्रू के रिमेक को लेकर खबर आ रही है कि अभी से सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है और सुरराय पोत्रू का रिमेक 4 एपिसोड की सीरीज होगी, जो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ओ माई गॉड 2 और कैप्सूल गिल की रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्षय कुमार की अगली फिल्म ओ माई गॉड 2 होगी, जो आने वाले 2 से 3 महीने में रिलीज होगी। तो जैसे ही किसी फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म होगी हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।